मूवी की शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम सेबेस्टियन होता है और इस वैज्ञानिक ने पिछले 4 सालों की कड़ी मेहनत से एक ऐसी दवाई बनाई है जिसको इंजेक्ट करके किसी भी जीवित प्राणी को गायब किया जा सकता है, लेकिन अभी तक उसे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं मिलता है जिसकी मदद से गायब हुए जीवों को फिर से विजिबल किया जा सके और वो पिछले 11 महीनों से ऐसी दवाई बनाने के लिए रिसर्च कर रहा है और फाइनली उसे मेहनत का फल मिल जाता है और अब उसे ऐसी दवाई भी मिल जाती है जिसकी मदद से वो गायब हुई जीवित चीजों को फिर से विजिबल कर सकता है। दरअसल उसने जब अपनी पहली गायब करने वाली दवाई बनाई थी तो उसने टेस्ट करने के लिए कई सारे जानवरों को गायब किया था और अब वो उन सब को फिर से विजिबल करने के लिए अपने दोस्त मैथ्यू लिंडा और सभी दोस्तों को लैब में बुलाता है। अब ये सभी इजाबेल नाम की गायब हुई गोरिल्ला को बड़ी मुश्किल से बेहोश करते हैं और अब उसे पकड़कर बेड पर बांध देते हैं। अब सेबेस्टियन अपनी बनाई हुई दवा को उसकी बॉडी में इंजेक्ट करता है ताकि वो गोरिल्ला फिर से विजिबल हो सके, लेकिन दवा के कारण उस गोरिल्ला को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है और हार्ट बीट लगातार बढ़ने लगती है जिससे उन सभी को लगता है कि अब इजाबेल नहीं बचने वाली और इसलिए वो उसे झटका देते हैं और धीरे धीरे उसकी हार्ट बीट स्टेबल होने लगती है। इसके बाद धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी विजिबल हो जाती है और अपने एक्सपेरिमेंट को सफल होता देख वो सभी खुशी से झूम उठते हैं। उनकी पूरी टीम की बरसों की मेहनत आकर रंग ले आती है। असल में यहाँ पर होने वाले सभी एक्सपेरिमेंट आर्मी के लिए किए जा रहे थे। आर्मी ने ही सेबेस्टियन को इनविजिबल करने वाली दवा बनाने को कहा था ताकि US आर्मी अपने डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बना सके। अब सेबेस्टियन के आर्मी ऑफिसर के साथ मीटिंग होती है मगर उस मीटिंग में वो झूठ बोलता है और कहता है कि मैंने इनविजिबल होने की दवा तो बना ली है मगर अभी तक उसका तोड़ नहीं मिला है और मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ, मुझे बस कुछ और वक्त चाहिए। उस समय मिलिट्री ऑफिसर कहता है कि हम तुम्हें पहले ही बहुत ज्यादा वक्त दे चुके हैं और इससे ज्यादा वक्त लगाना केवल समय की बर्बादी है। अब तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है, अगर इसमें भी तुम दवा नहीं बना पाते हो तो हमें किसी और को हायर करना पड़ेगा। अब जब सेबेस्टियन मीटिंग से बाहर आता है तो लिंडा और मैथ्यू उससे पूछते हैं कि तुमने ऑफिसर्स को झूठ क्यों बोला। तब वो कहता है कि मुझे पहले ये दवाई इंसानों पर टेस्ट करनी है और उसके बाद ही ये प्रयोग सफल होगा। दरअसल सेबेस्टियन इस रिसर्च का क्रेडिट खुद लेना चाहता है और ये थ्योरी डायरेक्ट पब्लिक के सामने रखना चाहता है। अगर ये मिलिट्री ऑफिसर को बता देता तो वो उस प्रयोग को एक सीक्रेट बनाकर रख लेते, इसलिए सेबेस्टियन उस दवाई को सबसे पहले खुद पर टेस्ट करना चाहता है और इसके लिए वो लिंडा और मैथ्यू से हेल्प मांगता है। वो दोनों इस काम के लिए मान जाते हैं और अब सेबेस्टियन अपनी बाकी टीम को बुलाता है और कहता है कि आर्मी ने हमें इस दवाई को ह्यूमन पर टेस्ट करने की इजाजत दे दी है और इस दवाई का सबसे पहला टेस्ट मैं खुद पर करूंगा। अब इसके बाद लिंडा और मैथ्यू अपनी टीम के साथ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए सेबेस्टियन को दवाई इंजेक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ होती है मगर कुछ ही देर बाद वो पूरी तरह से गायब हो जाता है, लेकिन इस दवाई की वजह से वो बेहोश हो जाता है और लगातार 17 घंटे तक वो ऐसे ही पड़ा रहता है। और जब फाइनली उसे होश आता है तो वो एकदम से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे रूम की लाइट बर्दाश्त नहीं होती है और जब सभी लाइट्स को ऑफ किया जाता है तो वो पूरी तरह से स्टेबल हो जाता है। उसका मेडिकल चेकअप किया जाता है जिसमें उसकी सारी टेस्ट क्लियर आते हैं। रिसर्च टीम में काम करने वाली लड़कियों को काफी अजीब लगने लगता है क्योंकि सेबेस्टियन शुरू से ही ठरकी प्रवृत्ति का आदमी होता है, इसलिए उन्हें हर वक्त डर रहता है कि क्या पता कब वो उनके सामान के साथ छेड़छाड़ कर दे। अब सेबेस्टियन को गायब हुए पूरे 3 दिन बीत चुके हैं और अब वक्त होता है उसे वापस विजिबल करने का। लिंडा और उसकी टीम उसे विजिबल होने की दवाई इंजेक्ट करते हैं जिससे धीरे धीरे उसकी बॉडी पार्ट्स दिखने लगते हैं मगर इस बार उसे इतना ज्यादा पेन होता है कि वो मरते मरते बचता है। फिलहाल वो सब सेबेस्टियन को विजिबल नहीं कर पाते हैं इसलिए उसके लिए एक बॉडी मास्क तैयार किया जाता है ताकि वो सबको दिख सके। अब उसे गायब हुए 10 दिन हो चुके हैं और सेबेस्टियन अपने इस रूप में बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है क्योंकि इनविजिबल होने के बाद उसे ठीक से नींद भी नहीं आती है। धीरे धीरे उसकी दिमागी हालत भी खराब होने लगती है क्योंकि पिछले कई दिनों से वो एक कमरे में बंद होता है। अब एक दिन वो इस घुटन से पीछा छुड़ाने के लिए रूम से बाहर निकलता है और अपने घर आ जाता है। उस समय उसे अपने पड़ोस की लड़की दिखती है जिसे वो बहुत ज्यादा चाहता था और वो लड़की अब नहा रही थी, इसलिए सेबेस्टियन इस मौके पर अपना प्यार जताने के बारे में सोचता है और वह अपना मास्क निकालकर उस लड़की की डोरबेल बजाता है। जब वह दरवाजा खोलती है तो सामने उसे कोई नजर नहीं आता है और मौका पाकर सेबेस्टियन घर के अंदर घुस जाता है, बाद में वो उस लड़की का रैप कर देता है। दूसरी ओर लिंडा सेबेस्टियन के घर आती है जहाँ पर उसका उतरा हुआ मास्क देकर वो काफी परेशान हो जाती है और बाद में वो वापस लैब में आ जाती है जहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि जब तक सेबेस्टियन गायब है वो हर किसी के लिए एक खतरा है। उसी वक्त सेबेस्टियन वहाँ पर आ जाते हैं और लिंडा उसे समझाती है कि अगर दोबारा तुमने अपना मास्क उतारा तो मैं सब कुछ मिलिट्री ऑफिसर को बता दूंगी जिससे तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा। सेबेस्टियन उसकी बात मान लेता है लेकिन उन सभी को कहीं ना कहीं डर होता है कि वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। स्पेशली लड़कियों को ज्यादा सावधानी की जरूरत है क्योंकि वो सभी उसके ठरकेपन से अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं और इसलिए वो उस पर नजर रखने के लिए थर्मल कैमरा का यूज करते हैं। मगर सेबेस्टियन को ये बात पता चल जाती है और वो कैमरा में छेड़छाड़ कर उसमें अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग चला देता है और खुद रूम से निकलकर सीधा लिंडा के घर जाता है जहां पर उसे पता चलता है कि लिंडा का अफेयर मैथ्यू के साथ होता है और इस बात से वो काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि लिंडा
सेबेस्टियन की एक्स गर्लफ्रेंड होती हैं और इसी गुस्से में वो उसके कमरे की खिड़की के कांच को तोड़ देता है। लिंडा बाहर देखती है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता है और उसे सेबेस्टियन पर शक होने लगता है और वो लैब में फोन करके पूछती है तो वो आदमी कहता है कि सेबेस्टियन अपने रूम के अंदर ही है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि वो जिसे देख रहा है वो एक पुरानी रिकॉर्डिंग है। अब सेबेस्टियन अपने रूम में वापस आता है और गुस्से में होने के कारण वो एक इनविजिबल कुत्ते को मार देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वहाँ की एनिमल डॉक्टर उन सभी इनविजिबल जानवरों को खाना खिलाने के लिए आती है तो उसे कुत्ता मरा हुआ मिलता है और इस चीज के लिए वो सेबेस्टियन से पूछती है तो वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन वो सभी कंफर्म करने के लिए पीछे की रिकॉर्डिंग देखते हैं मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। उसी रात सेबेस्टियन फिर से लिंडा के घर जाता है जहाँ पर लिंडा को शक हो जाता है कि कोई ना कोई तो उसके रूम में जरूर है और इसलिए वो लैब में जाकर सेबेस्टियन के बेड को चेक करती है। तब उसे पता चल जाता है कि सेबेस्टियन हम सबको बेवकूफ बना रहा है और इसलिए वो अपनी टीम के साथ फैसला करती है कि इस घटना के बारे में प्रोजेक्ट के हेड डॉक्टर क्रैमर को बताएगी। अब लिंडा और मैट डॉक्टर के पास जाकर उसे सब कुछ बता देते हैं, जिस बात से गुस्सा होकर क्रैमर उन दोनों को प्रोजेक्ट से रिमूव कर देता है और इस बात की जानकारी ऑफिसर्स को देने के लिए फोन करता है मगर उसका फोन खराब होता है। दरअसल तब तक सेबेस्टियन को इस खबर की भनक लग जाती है और वो वहाँ पर आ जाता है। वहीं पर वो डॉक्टर क्रैमर को स्विमिंग पूल में डुबोकर मार देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सेबेस्टियन लैब में पहुंचता है जहाँ पर लिंडा डॉक्टर क्रैमर के फोन का इंतजार कर रही थी क्योंकि आज इस इनविजिबल प्रोजेक्ट को लेकर खास मीटिंग होने वाली थी, लेकिन जब काफी देर बाद भी फोन नहीं आता है तो वो क्रैमर को फोन करती है। तब उसे पता चलता है कि लास्ट नाइट पानी में डूबने से क्रैमर की मौत हो चुकी है। इस खबर को सुनकर लिंडा फैसला करती है कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में सबको बता देगी क्योंकि अभी तक सेबेस्टियन के गायब होने की खबर सिर्फ उस लैब के लोगों तक ही थी, लेकिन जब वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो लैब के सारे डोर बंद होते हैं और ये सब सेबेस्टियन का किया हुआ काम होता है क्योंकि उन सब में केवल सेबेस्टियन की बायोमेट्रिक आईडी ही अनलॉक होती है। इसलिए वो सभी लोग उसे ढूंढने का प्लान बनाते हैं क्योंकि सेबेस्टियन अभी भी उस लैब में होता है। जब वो लोग जा रहे होते हैं उसी वक्त जेनिस कुछ पीछे भूल जाती है और जब वो उसे लाने के लिए वापस जाती है तो सेबेस्टियन उसे मार डालता है और अब वो लोग समझ जाते हैं कि सेबेस्टियन हम सबको मारना चाहता है ताकि उसका सीक्रेट लीक ना हो। अब वो लोग लैब में लगे एक ट्रैकिंग मैप की मदद से उसकी लोकेशन का पता लगा लेते हैं और अब उसे पकड़ने के लिए दो लोग वहाँ पर जाने को तैयार होते हैं। मैथ्यू और कार्टर वहाँ पर जाते हैं मगर सेबेस्टियन कार्टर को घायल कर देता है। मैथ्यू उस पर फायरिंग करता है मगर वो किसी तरह वहाँ से बच निकलता है। कार्टर का बहुत ज्यादा ब्लड बह चुका था इसलिए मैथ्यू सारा को उसके लिए ब्लड लाने के लिए भेजता है, लेकिन सेबेस्टियन सारा पर अटैक कर उसे मार देता है। दूसरी ओर ब्लड न मिलने से कार्टर भी मारा जाता है। अब इस लैब में सिर्फ तीन ही विजिबल लोग बचे थे, लिंडा, मैथ्यू और फ्रैंक। अब वो लोग सारा की मौत से अनजान होते हैं और उसे ढूंढने के लिए जाते हैं जहाँ पर एक फ्रीजर में उन्हें सारा की डेड बॉडी मिलती है। उसी वक्त सेबेस्टियन फ्रैंक के अंदर एक रोड घुसाकर उसे मार देता है। जब मैथ्यू उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो उसे भी घायल कर देता है और अब वो लिंडा और मैथ्यू दोनों को एक फ्रीजर में बंद कर देता है ताकि वो दोनों मर जाए। अब फ्रीजर का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने लगता है। लिंडा उसमें लगी कांच की विंडो को तोड़ने की कोशिश करती है मगर वो ऐसा करने में नाकामयाब रहती है। वहीं पर मैथ्यू काफी जख्मी होता है इसलिए वो बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर सेबेस्टियन एक बॉम्ब बनाता है और उसमें टाइमर सेट करके वहां से निकल जाता है। लिंडा फ्रीजर के मैन डोर को खोलने की कोशिश करती है और वो इस काम में कामयाब हो जाती है। अब वो मैथ्यू को बाहर निकालती है और उसकी जमी हुई बॉडी को गर्मी देने के लिए उसके पास आग जला देती है। अब वो एक फायर गन लेकर लिफ्ट के पास जाती है जहाँ पर सेबेस्टियन बाहर जा रहा था। वो उस पर आग फायर करती है जिससे सेबेस्टियन बुरी तरह से जलने लगता है। उसके सारे कपड़े जल जाते हैं जिससे वो फिर से गायब हो जाता है। अब सेबेस्टियन को बहुत गुस्सा आता है और वो किसी तरह लिंडा को मारना चाहता है, लेकिन लिंडा वहाँ पर लगी शॉवर को स्टार्ट कर देती है जिससे सेबेस्टियन दिखाई देने लगता है। वो लिंडा पर हमला कर देता है और एटलीस्ट मारने ही वाला होता है कि पीछे से मैथ्यू उस पर वार कर देता है जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। अब मैथ्यू लिंडा को उठाता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन सेबेस्टियन अभी जिंदा होता है और वो उसी रोड को उठाता है जिससे मैथ्यू ने उसे मारा था। वो उन पर हमला करता है, तब तक मैथ्यू उसे धक्का दे देता है जिससे उसकी रोड पास ही की इलेक्ट्रिक वायर पर जा लगती है जिससे वो करंट से झुलस कर वहीं पर गिर जाता है। अब वो दोनों उस जगह पर जाते हैं जहां पर सेबेस्टियन ने बॉम्ब प्लांट किया था, लेकिन उस बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं किया जा सकता इसलिए वो दोनों वहां से भागना बेहतर समझते हैं। सारे एग्जिट गेट ब्लॉक होते हैं और इसलिए उन्हें लिफ्ट के इमरजेंसी गेट से भागना पड़ता है। तब तक बॉम्ब भी फट जाता है और वो दोनों ऊपर चढ़ रहे होते हैं कि कोई लिंडा का पीर पकड़ लेता है और वो सेबेस्टियन होता है जो कि अभी तक जिंदा है। मैथ्यू उसे बचाने की कोशिश करता है मगर तब तक वो लिंडा को लेकर नीचे लिफ्ट पर गिर जाता है जहाँ पर वो उसे लिंडा की आखिरी किस करने के लिए कहता है। जब वो किस कर रही होती है तो बड़ी चालाकी से वो एक ट्रिगर दबा देती है जिससे लिफ्ट फ्री होकर नीचे गिर जाती है और उसी के साथ सेबेस्टियन भी बॉम्ब की आग में गिर जाता है। लिंडा ऊपर चढ़ जाती है जहाँ पर मैथ्यू उसे लेकर बाहर निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नई दिन नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।
Thank you.